किसान जो है वो, ये वो आदमी जो अपने देश से शरीर से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, किसान तो वो ही माना जाता है। सो पैदावार नहीं करी, कच्चे पैदावार तो कम करी, अब पक्के में कम कर रही है। 25% कम कर रही है वो साल, पिछले साल, पिछले साल 20-25% कम है भाव। जी जी, 750 के दाम है आलू के, 750 और आप देख पाओगे यहाँ पे पक्के आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है। ये कुछ खुदने को भी आलू है और बाकी ये खुद चुके हैं, लोडिंग वोडिंग चल रही है। यहाँ पे मेरे साथ में राजन सिंह जी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की पैदावार वगैरह निकल रही है, क्या स्थिति है, सारी तैयारी के लिए तैयारी चल रही है। सारा अभी आलू जो है कोल्ड के लिए तैयारी है जाने के लिए, किस तरह की पैदावार वगैरह है, किस तरह की स्थितियाँ बनेंगी आलू में, बातचीत करेंगे राजन सिंह जी से। सिंह साहब कितने आलू है जा साल? हैं? कितने आलू करे जा साल? हम पे आते हैं को 25-20 आलू। खुद के हिसाब का बचे हैं अभी? नहीं नहीं, भला बचे हैं। कितने बचे हैं? बचे पांच सात बीघे। कच्चे खोद दे। कच्चे कितने बीघे खोद दे? कच्चे खोद दे 10-12 बीघे। क्या रेट मिल गई कच्चे की? कच्चे की मिल गई 431, 410। कट्टा की? हाँ। तो ठीक ठाक ही रेट गए? हाँ बढ़िया ही। ठीक है बढ़िया ही। कैसी पैदावार नहीं करी कच्चे? पैदावार तो कम करी, अब पक्के में कम कर रही है। 25% कम कर रही है वो साल, पिछले साल, पिछले साल 20-25% कम है भाव। इतना भाव बढ़ा है? नहीं, 700 बेचो कल मैंने। भाव बहुत हो गया, भाव बहुत है। 700 बेचो है कल, 700 बेचो है भाई, 700 रुपया कट्टा को। हाँ छट्टा, और जिस जो 700 को है तो कल छट्टा बेचो है, मीडियम बेचो है? छट्टा छट्टा बड़ो। हाँ छट्ठाठ, हाँ निकाल के वो गुल्ली निकाल के। हाँ जी जी, 750 के दाम है आलू के, 750 का गुल्ला का जाम है। नहीं मोटो है, मोटो है। गुल्ला का रेट है? गुल्ला की तो हम बेची ना रहे, क्यों बीज कर रहे हैं। गुल्ला की तो जाके 600 के दाम लग गया कल। अच्छा, मेरे आलू के मोटो के 750 आते हैं अबे। हाँ, तो जिन्हें तो कोल्ड ही भेजोगे? कोल्ड जा रहे हैं। तो कोल्ड कितने पहुंचा दे अभी तक? कोल्ड एक ट्रोली कर ले लेगा मैं, और अब ले जाऊंगा। टोटल पैकेट कितने है जाएंगे? है जाएंगे 1000 पैकेट रह जाएंगे, 1000-1200 रखोगे? और बड़ा रखोगे? बस नहीं, बेच दे मैंने, बेच दे। हाँ पक्के खोद, पक्के बेची है, कल बेची गाड़ी तो। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक भाव मिल रहा तो बेच। हाँ, बेच ज्यादा ना, क्यों किसान पिछले वर्ष से टूटा हुआ है। हाँ भाई, पिछले वर्ष किसान ये कह रहा है कम से कम पिछले वर्ष का पहले कंप्लीट कर लो, फिर आगे की देखेंगे। 15,000-2,000 कटने में ही इंटरेस्ट ले रहे किसान, और ज्यादा ना कर रहे। ज्यादा बचा फसल में, पिछली देनदारी है, लेनदारी है किसान की। हाँ, तो भाई बेव पूरी करनी है तो वो बात है, सही बात है। तो वैसे उम्मीद का दिख रही है भाव, और भाई तो चलेगा, हो जाएगा मतलब ऊपर तक। हाँ भाव चलेगा, कोल्ड की नहीं पता है क्या हुआ, अब तो भाव चलेगा। कोल्ड अगर आप कह रहे हो कि भाई किसान पीछे जा रहे हैं तो कोल्ड जैसा हो तो फिर स्थिति कोल्ड नहीं, गड़बड़ रहेगी। कोल्ड पूरे भरे पाएंगे, है पाएंगे नहीं है पाएंगे? पैदावार ऑलरेडी कमी नहीं कर रही है? नहीं नहीं है पाएंगे, कोल्ड पूरे नहीं होंगे। कोल्ड पूरे नहीं होंगे, 800 बिकसत हो, 1000 बिकसत हो कट्टा भाई। कोल्डन से पहले? हाँ क्यों, कोल्ड में जाके मट्टी कर सकते हैं बस। कोल्ड में जाके मट्टी कहाँ कट जाए भाई, आलू कट जाएगा सवर तो कोल्ड में कैसे बचाएगा फिर? तो कोल्ड में कैसे मट्टी कट जाए? कोल्ड में तो और ज्यादा बढ़िया भाव मिल जाए फिर तो। समय की साहब किसी को नहीं पता है, मौत की बाकी। अच्छा, क्या होगा पर, लेकिन अब तो कोल्ड स्टोर में परिवार हो पा रहे जी भाई, कोल्ड स्टोर में आलू धरो जाओ। हाँ चक्कर तो ये खाली रंगे तो मोल लगे धन्य पर कोल्ड स्टोर वाले ने। हाँ, और फिर इस साल तीन कोल्ड स्टोर बनेंगे किरावली क्षेत्र में, उनके लिए आलू कहाँ से आएगा? नहीं तो किरावली का अगर आप ऑल ओवर आगरा की भी बात करो तब भी हर जगह कोल्ड की कैपेसिटी बढ़ी है। हाँ, कोल्ड स्टोर बढ़े हैं। हाँ, चैम्बर लोगों ने बढ़ाए हैं। हाँ सही बात है, तो सब जगह कैपेसिटी तो बढ़ी है। अब ये बात अलग है, पैदावार कम निकल रही है। पैदावार कम लग रही है इसलिए मतलब कोल्ड की थोड़ी सी वो है गई। समस्या ये है कि लड़ाई चल रही है कि मोड़ी तो पनी ये अपने आप लादने पड़ रहे हैं, और कल हमने पल्लेदार लाद रहे, रोज पल्लेदार लाद रहे हैं भाई। अच्छा, अब पल्लेदार आगे संजाऊ तो अब इस किसान पे कहाँ टाइम सही है, और काम देखने और तो छोरे अपने ही हैं।
अपनी की छोरियों पे आप ला दो शासन ने भाई मेहनती नहीं तो किसान का काम तो अपने हाथ का ही काम है। किसान का काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं हो पाएगा। सही बात है, अगर अपने हाथ से कर लेगा किसान तो कुछ चार पैसे बचा लेगा। हाँ हाँ, बात यही है किसान जो है वो ये वो आदमी जो अपने देश से शरीर से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, किसान तो वही माना जाता है। सो भी खेत हो और काम बटाई पे या भेज पे उठा दे उस किस्त को, क्या किसान है वो। मालिक मालिक किसान बने वो किसान नहीं, किसान जो स्वयं खेती करे वो किसान होता है। सही सही। तो कौन कौन से आलू करे जा साल? मोहन करो है और इमानी करो है, न्यू हॉलैंड करो है लाल वालो। अच्छा, और गंगा भी है और वो है नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ न्यू हॉलैंड में बेचो कछु? नीलकंठ में और जो आप हॉलैंड बता रहे हो वहां बेचो कछु? हाँ बेचो है। नीलकंठ का हिसाब बेचो है? जब वो बेचो है नीलकंठ, वो नीलकंठ तो खुदोना है भाई वहाँ। अच्छा, खुदोना है। और हॉलैंड बेचो या खेत में हॉलैंड बेचो है? जब वो 400 बिको होगा वो 500 बिको है हॉलैंड। हाँ, तो हॉलैंड बचाओ ने का सब खत्म कर दो, सब बीज लाऊं दोबारा सा। अच्छा, बीज पुराना है, हो जाता। अच्छा अच्छा, वो तो नीलकंठ का है, तो नीलकंठ का तो रेट बढ़िया मिल जाएगा। हाँ बढ़िया मिल जाएगा, लंबे वाला नीलकंठ हो वो ज्यादा जाता है। नहीं अभी लोग कम कर रहे हैं नीलकंठ है, लेकिन लोग धीरे पकड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में थोड़ा किरावाली क्षेत्र में ही है नीलकंठ? सब्जी बहुत बढ़िया बनते होगी। हाँ हाँ, मैंने देखी। और सब्जी के अलावा शुगर फ्री आलू है वो नीलकंठ। हाँ, मीठा नहीं बनता है।